मैं फरिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या बुराई है उसमें? अम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मायदा तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ क्या कह रहे थे आप हसीब भाई? साथ साथ क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मायदा आपी की नंद का रिश्ता आया मेरे लिए। हाँ, और तुमने कहा था कि वो मजाक था। हाँ, वो मजाक ही था मेरे लिए, इसीलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया था अम्मी को। लेकिन अब क्या? वो मजाक सीरियस होता जा रहा है। आशी, ऐसे तो मत देखो मेरी तरफ। तुम्हें अपनी मुश्किल बताने का मकसद ये थोड़ी था कि तुम मुझ पे शक करने लगो। मैं शक नहीं कर रही हूँ शायद, लेकिन मैं वार्न कर रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचूंगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अम्मी। तुम अम्मी को समझाओ ना, तुम इस बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम उन्हें मेरे बारे में बता दो ना शायान, बल्कि काम करो कि अभी चलो। आशीम, क्या हो गया? इतना जज्बाती हो कि मत सोचा करो। यानी तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताना चाहते क्या? आशी, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन रिलैक्स तो रहो। जैसे ही ये मसला हल होता है, मैं तुम्हें अम्मी और आपी से मिलवा दूंगा। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। वो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ? अरे जरूर चली जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तुम्हारा जब दिल चाहे करे अम्मी की तरफ चली जाया करो, लेकिन इस तरह अचानक। हाँ, वो अम्मी को कुछ काम था। हाँ हाँ जरूर चली जाओ, फिर जब तुम लौट के आओगी तो हम दोनों बैठ के फरिया से बात करेंगे। अब वो अभी बात मत करें अम्मी फरिया से। क्यों? वो सलमान वाले किस्से की वजह से ना बहुत परेशान है। कहती नहीं है, लेकिन दिल में घुटती रहती है। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे सलमान ने बहुत बुरा किया मेरी बेटी के साथ। तो फिर मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ बेटा, लौट के जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं खाना आके बना दूंगी। अरे क्यों बनाओगी तुम खाना? तुम आराम से अम्मी की तरफ जाओ, सुकून से रहो वहां, मैं बना लूंगी रात का खाना। जी क्या बात है मायदा भाभी से तो आप ऐसे बात करती हैं जैसे आप मुझसे भी नहीं करती। क्यों, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? भाई मेरी इकलौती बहू है, कभी कभी मुझे प्यार आ जाता है उसके ऊपर। ये कभी कभी का प्यार इस बार कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर, बड़ी आसानी से आपने घर जाने की इजाजत दे दी उन्हें। अरे वो जाती ही कहाँ है, ना उसकी कोई सहेली है ना कोई रिश्तेदार है, ले दे के माँ के घर ही तो जाती है बेचारी। बेचारी। तुम तंज करना तो बंद करो। बेचारी। मिस्टर शयान, मैं आपको ईमानदार वर्कर समझता था। क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत किया है? बड़े अफसोस की बात है। ये देखें, इस फाइल में आपने कागजात लगाए थे। नहीं सर, मैंने तो नहीं रखे। चोर चाहे जितना मर्जी चालाक बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी चोरी छोड़ के जाता है। तुम जिस चालाकी के साथ अपने अमाउंट में रद्दोबदल करते हो, वो तुमने ही सारे बिल की परचेजिंग की है। मुझे सब पता है इसके बारे में कि तुम कितने ईमानदार हो। बोलो, क्या ऐसा नहीं है? क्या मुझे बहुत अफसोस हुआ है शायान, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी सर। कोई सॉरी नहीं, इस ऑफिस में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। सर प्लीज इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। मैं आपकी गलती हरगिज माफ नहीं करूंगा। इकराम साहब, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? सर इन्होंने एक मिनट, मेरी बात सुने पहले। आज के बाद इन साहब इस तरह से बात नहीं करेंगे। ये मेरे होने वाले बहनों ही हैं। कोई एम्प्लॉय नहीं जिससे आप इतनी बदतमीजी करें। प्लीज अपनी जबान को थोड़ा लगाम दें। जी सर। सॉरी। शुक्र करें मिस्टर शयान, आपकी नई रिश्तेदारी ने आपको बचा लिया है, वरना मैं आपको खड़े खड़े यहां से फायर कर देता। याद रखिएगा मिस्टर शयान, इस गलती को मैं आपकी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस तरह की कोई शिकायत मिली तो मैं आपको माफ नहीं करूँगा। शायान इतनी देर लगा दी, कहाँ थे तुम? काम बोले, क्या बात है? तुम्हारी बहन तुमसे बात करना चाहती। जी आप ही बोले। शायान वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मुझे इस बारे में नहीं बात करनी। अपनी बहन की 2 मिनट बात सुन। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों पागल बनाने में तुले हुए मुझे? शायान देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ, लेकिन तुम बात को नहीं समझ रहे हो। अम्मी वहाँ जाके हाँ कर चुकी हैं और अब तुम इनकार कर रहे हो। तुम मुझसे पूछ के थोड़ी हाँ कहा है। शायान तुम मेरे साथ नहीं थे, होते तो देखते वो किस तरह खरी खरी सुना रही थी, तो मैं कैसे ना हाँ करती? तो अम्मी सुन लेती उनकी बातें, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैं सुन सकती थी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बातें सुनते नहीं देख सकती, उसका बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकती। अल्लाह ना करे वो इसे तलाक देकर घर से निकाल भी सकती हैं। शायान मेरे भाई, अब बात हाथ से निकल चुकी है। अभी ये आपकी और अम्मी की गलती है और मैं इस गलती की सजा नहीं भुगत सकता। शायान अम्मी अब मैं क्या करूं? किस मुश्किल में फंसा दिया आपने मुझे। आयशा, मामा आप इतनी जल्दी आ गई? मैं अपने वक्त पे आई, तुम देर से आई हो। वो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आई एम श्योर तुम अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई होगी या फिर शॉपिंग पे चली गई होगी, क्योंकि तुम घर में बोर हो रही थी और सोचा कि घूम फिर आऊं। Am I right? ये आप किस तरह बात कर रही हैं? जिस तरह मुझे बात करनी चाहिए। कहाँ गई थी तुम? मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी आऊँ जाऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम दिन ब दिन तुम बनती जा रही हो आयशा। मामा मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। सुने, बोलो क्या जादू किया आपने अम्मी पर? भाभी क्या मतलब क्या पट्टी पढ़ाई है आपने उन्हें? वो तो आप ही के गुण गाए जा रही हैं और मुझसे भी बदजन हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है फरिया। जादू करवाया ना आपने अम्मी पर? कोई तावीज वावीज खोल कर पिलाया है? इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम यकीन करती हो जादू वगैरह पर? मैं तो नहीं करती, लेकिन आप तो ये सब कुछ करवाती हैं ना। फरिया मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप अम्मी को मेरे खिलाफ करना छोड़ दें। भाई को तो आप छीन ही चुकी हैं, अब अम्मी के साथ आपको मैं करने नहीं दूंगी। तुम सोच कैसे लेती हो इतनी गिरी हुई बातें? आप गिरी हुई हरकतें कर सकती हैं और मैं सोच भी नहीं सकती। सोच समझ कर बोलो फरीहा, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो और अपनी गलत फहमियां ना तुम अम्मी के साथ जाकर ही दूर करो। भाभी सब खैरियत तो है, क्यों रो रही हैं आप? आप ही मैं आपसे पूछूं कि बैग अम्मी अम्मी आप ही बताएं तो सही क्या हुआ है। हसीब ने मुझे तलाक दे दी है। क्या तलाक? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि तुम उनकी बहन से शादी नहीं करना चाहते, इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शायद। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब बात हाथ से निकल चुकी है, अम्मी वहां जाके हाँ कर चुकी है और अब तुम इनकार कर रहे हो। अल्लाह ना करे वो इसे तलाक देकर घर से निकाल भी सकती है। मायदा इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए। परेशान हो? नहीं तो परेशान तो नहीं हूँ। मुझे नहीं बताओगी? ऐसी कोई बात नहीं है हसीब। अच्छा ये बताओ घर में सब ठीक है? शायान खुश है इस रिश्ते से? हाँ वो तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। ऑफिस में तो उसका मूड मुझे कुछ खराब ही नजर आता है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, काम सीख रहा है शायद इसलिए हो सकता है। चलो अंदर चलो, आराम कर लो। आप चले, मैं आती हूँ। Okay. क्या बात है, आज इतनी खामोशी क्यों है? लगता है मायदा आपी के घर के मसले हमारे घर में दाखिल होने लगे। ऐसे नहीं कहते, मायदा भी इसी घर की औलाद है। तुम दोनों इसे बहन समझो या ना समझो, मेरी तो बेटी है। अम्मी ऐसी बात नहीं है। शायान तुम तो खामोश रहो, तुमने जो कहना था ना तुम कल कह चुके, उसे भी और मुझे भी। अम्मी आप क्यों मुझसे नाराज हैं? नाराज मैं होती कौन हूं तुम दोनों की? हाँ और लगती क्या हूं तुम्हारी? तुम समझते क्या हो मुझे जो मेरी नाराजगी की परवाह करोगे? ये सारी तलखीस रिश्ते की वजह से है। अब मायदा आपी को हाँ बोल दो, मुझे रिश्ता मंजूर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाय हाय। फरीहा आई हुई थी आज। सो कुछ नहीं, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। उससे मेरा क्या कंसर्न था? क्या लगता है तुम्हें क्यों आती है वो यूनिवर्सिटी? इसका तो सेमेस्टर भी अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आई डोंट नो and I don't even care. मुझे तो लगता है ना वो तुम्हें टीज करने आती है। नहीं होता मैं टीज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये देखने आ रही हो कि आजकल तुम किसके साथ हो। वो ये हक खो चुकी है। तो फिर अब ये हक किसके पास है? मेरी मॉम के पास। हाँ, मॉम के पास तुम्हारी। खैर तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? आज मेरे पास कन्वेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा। थैंक्स। क्या हुआ, परेशानी थोड़ी कम हुई? अभी तो परेशानी शुरू हुई है। क्या कहा तुमने, कौन सी परेशानी? हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि सब ठीक है, तुम परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। चलो शुक्र है, मैंने बहुत सारी दुआएं की थी। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, कि जो भी मसला हो तुम लोगों का वो हल हो जाए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, वो मेरा होने वाला ससुराल है। पता नहीं कैसी दुआ की थी। मुझे लगता है कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। ठीक कह रही हो तुम। चलो अब मूड ठीक करो, जब सब ठीक हो गया है तो फिर तुम भी खुश हो जाओ ना। तुम खाओ, मैं खाता हूँ। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी राबिया? जरूरत क्यों नहीं थी, ये भी रस्म होती है। ये तो सही कह रही हैं आप। मैं तो आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात का मान रखा। कैसे ना रखती, आप मेरी बेटी की सास हैं। अरे सास और बहू तो बस लफ्ज होते हैं, मैं तो मायदा को अपनी सगी बेटियों की तरह समझती हूँ, फरिया से भी ज्यादा। जी ये सब जानती हूँ। बेटी है तभी तो इसने अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक। फरिया बैठो बेटा। नहीं अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुको बेटा, ये क्या है? रसम के पैसे हैं बेटा। कैसी रस्म? वो फरिया बेटा तुम रख लो, ये तुम्हारी होने वाली सास है ना, तुम रखो तो। पूछकर आपने शायान से मेरी शादी तय की है? हाँ? किससे पूछकर किया आपने सब कुछ? बेटा पूछने को रही क्या क्या है, इतना कुछ तो हो गया है इस घर में। क्या हो गया है? एक मंगनी तो टूटी है मेरी। बेटा सिर्फ मंगनी नहीं टूटी है, तुम समझने की कोशिश करो। कितने रिश्ते वाले आके जा चुके हैं, कुछ लोगों ने हाँ की उसके बाद इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है मैं शायान से शादी कर लूं? तो बेटा उसमें क्या बुराई है, शक्ल सूरत का अच्छा है, देखा भाला लड़का है। और हमारा नौकर भी। नौकर कैसे? भाई के ऑफिस में काम करता है ना वो नौकर नहीं है, वहाँ पे काम करता है। जो भी है, मैं शायान से शादी नहीं कर सकती, ये बात आप अच्छी तरह समझ ले। मैंने ये रिश्ता तय करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत अकल लड़ाई है, बड़ा सोच विचार के मैंने ये रिश्ता तय किया है। आपने उस कंगले के लिए इतनी मेहनत की है? ऐसा तो नहीं है। प्लीज खत्म कर दे रिश्ता, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? मैं एक बात बार बार नहीं दोहराऊंगी अम्मी, मैंने कह दिया ना मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अरे बेटा क्यों ऐसी बातें कर रही हो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हसीब उसे अच्छा सा बिजनेस भी सेट करवा देगा। और मायदा भाभी का वो दड़बेनुमा घर भी नहीं लेके देंगे हसीब भाई। अरे बेटा बिजनेस सेट हो जाएगा तो एक दिन घर भी आ जाएगा तुम्हारा, और तब तक तो मैं बूढ़ी हो चुकी होंगी। तुम इसका मतलब नहीं समझ रही हो, बस ये रिश्ता तय हो गया, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और मैं शायान से शादी नहीं करूंगी, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये शादी होके रहेगी फरिया, सुन लो कान खोल के। पिछले एक हफ्ते से इस घर में खिचड़ी पक रही और आपने मुझे बताया भी नहीं। इतने गुस्से में क्यों हो तुम? मैं बार बार आपसे पूछती रही और आपने मेरी बात टाल दी। मुझे अम्मी ने कहा था कि वो खुद तुम्हें बताएंगी। अम्मी ने मुझसे बात की है और मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि आपका भाई मेरे काबिल नहीं है। सोच समझकर बात करो फरीहा। सोच समझकर बात करूंगी ना, तब भी यही कहूंगी मैं। तो ठीक है, तुम अम्मी को कहो कि वो मेरी अम्मी को फोन करके इनकार कर दे। ये काम तो आप भी कर सकती हैं। मैं क्यों करूं? ठीक है, फिर मैं खुद ही कर लूंगी। देखो बेटा, तुम अभी अपनी अम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैं फरिया से बात करूंगी। जी, तुम्हें तो पता ही है कितनी देर से समझती है वो लड़की हर बात। अच्छा खासा तुम्हारा भाई है, सुलझे हुए मिजाज का, वही फरिया को संभाल सकते हैं, वरना उसका मिजाज तो ऐसा है कि कहीं गुजारा नहीं होगा। बेटा देखो, जब शादी हो जाएगी ना फिर सब कुछ बदल जाएगा। तुम तो जानती हो कि फरिया के बाप के चले जाने के बाद से जो वो कमी महसूस करती है, उसको जब शौहर से मोहब्बत मिलेगी ना तो फिर वो पहली जैसी फरिया हो जाएगी। जी, मैं समझाऊंगी फरिया को, उससे बात करूंगी दोबारा। बस उस वक्त तक तुम अपनी अम्मी से कुछ मत कहना। मैं नहीं बात करूंगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। तुम्हें पता है नादिया की भी मंगनी हो गई? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। किसके साथ? उसके कजन के साथ। अच्छा ही हुआ वैसे, वो अपने कजन को ही डिजर्व करती थी। अब तो शायद सारा की भी हो जाए सलमान के साथ। तुमसे किसने कहा है? कहना किसने है, सबको सब पता है उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोनों हर वक्त साथ साथ घूमते हैं। मैं तो पहले ही कहा था, मेरी कौन बात मानता है। लेकिन हाँ, तुमने पहले ही पेशेंट कोई करी थी मुझे। लेकिन किसने मानी थी मेरी बात? तुमने मानी थी। उन लोगों के सामने भी जब कहती थी तो डिनाई कर देते थे, और अब शादी करने वाले हैं, शर्म भी नहीं आती है। अब क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? यही शादी के लिए? अरे हो जाएगी, जब जब कभी भी होनी होगी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि तुम सारा और सलमान से पहले पहले शादी कर लो। क्यों? तुम इतनी भोली क्यों हो? तुम्हें नहीं पता सलमान तुम्हें ही चढ़ाने के लिए सारा को लिए लिए घूमता है, और उसकी मम्मी जैसे तैयार बैठी हूँ। कैसे हो शायान? ठीक हूँ। तुमने मुझसे मेरा हाल तो पूछा ही नहीं। आपके हाल को क्या होना? आपके सारे मसले तो मैंने हल कर दिए। अब कैसी परेशानी? तुमने उस लड़की से बात की? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम मोहब्बत करते थे। नहीं, मैं जानती हूँ शायान कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आप ही प्लीज। मैंने आपकी और अम्मी की हर बात मान ली। अब बेहतर होगा कि आप मेरे जिंदगी के मामलात में इंटरफेयर ना करें। क्या बात है? मैं शायान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच कह रही हो तुम? जी। मायदा, क्या हुआ? अम्मी, मुझे लगता है कि शायान मुझसे शायद नाराज है। क्यों? इसलिए कि मैंने उसे फरीहा से शादी करने के लिए मजबूर किया। उसने तुमसे कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ। हाँ, नाराज तो होगा। वो किसी और लड़की को पसंद करता था, तुम्हारी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं क्या करूं अम्मी? तुम फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा लाडला भाई है, कितने दिन तुमसे नाराज रह सके? काश फरीहा की मंगनी सलमान से टूटी ही नहीं होती। बेटा, आप इन बातों का क्या फायदा? कमेंट। एक्सक्यूज मी, कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ मैम। वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रहमान सर नहीं है, वरना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। बोलो। मैम, वो मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। बस इतनी सी बात? जी। ठीक है, लेकिन लीव किस लिए? वो मैम, मेरे भाई की इंगेजमेंट है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। मुझे नहीं बुलाओगी? मैम, हमारा घर आपके शयान शान नहीं, वरना मैं ज़रूर बुलाती आपको। मैं मजाक कर रही थी। ठीक है, HR में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये बात कर। जी राबिया, रस्म शुरू कीजिए। जी, ये लो बेटा। लो बेटा, तुम भी पहनाओ। सब इकट्ठे हो ही चुके हैं तो क्यों ना हम सब शादी की तारीख भी फिक्स कर लें। जी, जो आप सबकी राय हो। राबिया, जैसे आपको सहूलत हो, क्योंकि हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है। जी, मैंने भी काफ़ी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपनी होने वाली बहू के लिए तो मैं कब से जोड़ती आ रही हूँ। तो बस ठीक है फिर, 2 हफ्ते बाद की तारीख कैसी रहेगी? हाँ जी, ठीक रहेगा। चलिए, बस ये तो बहुत अच्छा है फिर। हाँ मायदा, बोलो तुम। हाँ, अगर अम्मी भी यही चाहती हैं तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। शायान। जी अम्मी। बेटा, ये बताओ कि तुम्हें फरिया कैसी लग रही थी आज? अम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये लड़का क्या कर रहा है? फरिया के बारे में तो ये कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कैसी रजामंदी है? रजामंदी नहीं अम्मी, मजबूरी है। भाभी, ये मंगनी की अंगूठी आपने पसंद की है? नहीं अम्मी ने, उन्होंने बहुत पहले लेके रखी थी। तभी तो मैं बोलूं, ये डिजाइन्स तो अब म्यूजियम्स में भी नहीं रखे जाते। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पसंद करना पड़ रहा है। मसलन? छोड़े इन बातों को, बस आप अपनी अम्मी से कह दिएगा कि शादी की शॉपिंग करने मुझे साथ लेके जाएं। उनके दिए हुए ये कपड़े, जूते, ये ऐसी चीजें मैं नहीं पहन सकती। ठीक। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा। क्यों ना हम सब शादी की तारीख भी फिक्स कर लें, जो आप सबकी राय हो। 2 हफ्ते बाद की तारीख कैसी रहेगी? सारा, ग्रुप की नई फोटोज देखी तुमने? नहीं, क्यों, ऐसा क्या है उसमें? तो देखो ना, जल्दी जल्दी देखो, अभी फौरन। फरिया की बच्ची, तुमने मंगनी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। यार बस सब अचानक ही हो गया। वैसे अच्छा ही हुआ, सलमान और सारा के मुंह पर तो ये चमाट है, इसीलिए तो ग्रुप में पिक्चर्स अपलोड की हैं ताकि सब देखें। यार अब तक तो लोग जल जल के ही मर गए होंगे। Are you sure सबने देख ली होंगी? और नहीं तो क्या, सलमान से लाख दर्जा अच्छा है तुम्हारा फियांसी। वैसे नाम क्या है इसका? शायान नाम है। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा। कैसी हो? ठीक। देखी थी तुमने पिक्स? हाँ देखी थी। बड़ी जल्दी मंगनी नहीं कर ली तुम्हारी एक्स ने? उसकी मर्जी। कहीं पहले से अफेयर तो नहीं था? नहीं नहीं, जानता हूँ उस लड़के, फरिया की भाभी का भाई है। मुझे तो लगता है कि वो जल्दी मंगनी करके ना तुम्हें कोई मैसेज देना चाह रही है कि जैसे उससे तुम्हारी अब परवाह ही नहीं। मुझे भी उसकी और उसके किसी मैसेज की कोई परवाह नहीं है। अरे लेकिन उसके मैसेज का रिप्लाई देना तो बनता है ना। वो कैसे? खुद मंगनी करके। ये अकाउंट्स में दे दीजिए। जी मैम। आपके भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई? जी मैम, बहुत अच्छी हुई। अच्छा, गुड गुड। और भाभी कैसी हैं आपकी? जी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप पिक्स देखेंगी? या व्हाई नॉट। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू मैम। और ये मेरे भाई भाभी हैं।